तो हम भारत संचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ अल्कोहल फिनोल एंड इथर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि ना इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वो पूरे का पूरा इससे लिंक्ड है। अगर आपको ये चैप्टर आएगा तो बहुत सारी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी उस चैप्टर में आती है, ठीक है ना। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने इस चैप्टर के वन शॉट देख लिए, और इसके अलावा मैंने बहुत से चैप्टर के वन शॉट, बहुत से चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत से चैप्टर के एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड कर दिए, उसको देखो, है ना। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और बेटा जब कुछ भी डाउट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं या पढ़ाई से रिलेटेड आपको कुछ इशू आ रहे हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा भारत पंचाल 92 के नाम से। और मैं स्पेशली थैंक्स उन बच्चों को कहना चाहूँगा जो इस चैनल को डोनेट करते हैं। ऐसा नहीं है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, इट्स ऑन यू कि हाँ जो कुछ बच्चे गुरुदक्षिणा करते हैं अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और हाँ, यहाँ से बाहर नहीं आएगा कुछ भी, आपको ये पता चल जाएगा कि बोर्ड किन को इंपॉर्टेंट मानता है। इसमें कुछ मैकेनिज्म होंगे, 3-4 मैकेनिज्म हैं इस चैप्टर में, और उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैकेनिज्म्स मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो वो आपने एक सेपरेट में देख लेने हैं। और साथ साथ ना कुछ नोट्स बनाते रहना, आप ऑब्जर्व करोगे कि कई तरह के क्वेश्चन ना बार बार रिपीट हो रहे हैं, सो दैट कि इस वीडियो के बाद आप 10-15 क्वेश्चन लेके जाओ कि हाँ भाई इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो नोमेनक्लेचर पे चलते हैं। सबसे पहला है ये, है ना। अब यहाँ से चेन सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, दिस विल बी योर चेन। तो क्या हो जाएगा, ये 1, 2, 3, 4 और इधर 5, C2H5 है ना। अब देखिए 3 पे इधर CH3 है, 3 पे इधर CH3 है, इसको मैं उड़ा ही देता हूँ, तो इसका नाम हो जाएगा 3-3। दो बार CH3 है तो डाई मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है, चेन में 5 कार्बन है, पेंटेन। एंड 2 पे OH है, 2 और, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई इस पे, ये हमारी चेन हो जाएगी, अच्छा OH नहीं आएगा, ये चेन हो जाएगी। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1, 2, 3, 4। 2 पे BR है सो 2 BR को क्या बोल देंगे, ब्रोमो। 3 पे CH3 है, 3 मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है, 4 ब्यूट। 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 इन। एंड 1 पे OH है, 1 ऑल, ठीक है। फिर इसमें आ जाओ, यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन हम किसको देंगे, अच्छा ये ऑर्गेनिक का बेसिक ओके होना चाहिए, तब ऑर्गेनिक बहुत अच्छे समझ में आती है। और बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक सर्च कर सकते हो, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल सर, वो जरूर देख लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 30-35 नंबर की है, बिना बेसिक आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। ये 1, 2, 3, 3 पे बेंजीन है सो 3 फिनाइल, है ना। और चेन में कितने कार्बन है, 3 तो प्रोप। 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 इन। एंड 1 पर OH है, 1 ऑल। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, ये चेन हो जाएगी, है ना। और क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। 2 पे OCH3 है तो इसे बोलते हैं मिथोक्सी, अल्फाबेटिक ऑर्डर में मिथोक्सी आएगा। 2 पे मिथाइल है, क्या सर अल्फाबेटिक ऑर्डर में मिथोक्सी, मिथाइल में से मिथोक्सी पहले क्यों आया, इस फर्स्ट लेटर चेक कर लो, फर्स्ट लेटर सेम है तो सेकंड चेक कर लो, सेकंड सेम है तो थर्ड, थर्ड चेक कर लो तो फोर्थ, इस तरह से चेक करते जाते हैं। तो यहाँ पर O आएगा और यहाँ पर Y आएगा, तो ये पहले आ रहा है, ठीक है। 2 मिथोक्सी, 2 मिथाइल, और चेन में कितने कार्बन है, 3, 3 कार्बन क्या बोल देंगे हम लोग, प्रोपेन बोल देंगे। आगे बढ़ते हैं, हमने इसका नाम करना है, है ना। 1, 2, 2 पे बेंजीन है तो 2 फिनाइल। एंड चेन में कितने कार्बन है, चेन में 2 कार्बन है, इथेन। 1 पे OH है, इथेन, 1 ऑल। यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ OH फंक्शनल ग्रुप है, NO2 सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में आते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 2, 5। दो बार NO2 है तो डाई नाइट्रो, और बेंजीन के ऊपर OH है तो इसे बोल देंगे फिनोल, क्लियर बेटा। आगे बढ़ो, नेक्स्ट है हमारे पास, इसका नाम करना है। अब एक आधा तो कुछ भी ट्राई करोगे ना भाई, तुम्हारे लिए एक काम आसान कर दिया कि मैंने चेन सेलेक्ट कर दी है, अब इसके आप लोगों ने खुद से करना है। कमेंट सेक्शन में उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसका नाम कर दोगे, रोको आंसर करो। यहाँ से इसका नाम करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द चेन। 1, 2, 3, 4। 3 पे CH3 है सो 3 CH3 को क्या बोलेंगे, 3 मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है, ब्यूट। 2 पर डबल बॉन्ड है,
टू इन, वन पर ओ एच है, वन ऑल। इसके बाद इसका नाम करना है। अच्छा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि ये जो देखिए हम इस कार्बन को चेक करेंगे, आप लोग मुझे बताओ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में से क्या है। वन टू थ्री फोर, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, एंड टू पर ओ एच है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन टूल। ठीक है, अब इस चेन में आ जाओ, ये चेन हो गई, इसमें वन टू थ्री प्रोपेन, वन पे टू पे थ्री पे ओ एच है तो प्रोपेन वन टू थ्री तीन जगह पर ओ एच है, ट्राई ओल इसका वोवल लगेगा। इसका एक कॉमन नेम होता है जो बहुत फेमस होता है, इसका कॉमन नेम होता है बेटा जी ग्लिसरॉल। अब ना इस चैप्टर में बहुत सारे कन्वर्जन्स आते हैं, हाँ बहुत सारे कन्वर्जन्स मैकेनिज्म, बस यही है इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। फिनॉल से आप लोगों ने सैलिसल्डिहाइड बनाना है, तो फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड आप लोग किस तरह से बना सकते हो भाई। फिनॉल किसे कहा जाता है, बेंजीन। ठीक है, और ये 101% लिख लो, जो तुम 10-15 क्वेश्चन सेलेक्ट करने आए हो ना कि क्या कोल्ब रिएक्शन राइमर टाइमर रिएक्शन पक्का आएगी, नाम बदल के आ जाए आएगी 101%। ठीक है, फिनॉल है, फिनॉल किसे कहते हैं जब बेंजीन के ऊपर ओ एच हो, इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दो किसके साथ, एन ओ एच एस सी एल और यहाँ पर सी एच सी एल थ्री, तो आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर आपका लग गया है ओ एच सी एच ओ। इसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर सैलिसल्डिहाइड बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड आप लोगों ने बना दिया, नेक्स्ट है फिनॉल टू प्रोपिनॉल, फिनॉल नहीं प्रोपीन से प्रोपिनॉल, प्रोपीन किसे कहते हैं, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, तो यहाँ पर आप हाइड्रेशन करोगे, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन होती है इसमें और ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल होती है। तो यहाँ पर जो आपका एच पॉजिटिव है, जो आपका ओ एच नेगेटिव है, नथुलाल हलवाई नेगेटिव विल गोज टू लोअर, नेगेटिव इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या बन जाएगा सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच टू एच। ठीक है ना, ये बन जाएगा, ये प्रोपेन क्या बना है, टूओल बना है। बट यहाँ पर अगर आप देखो इन्होंने प्रोपेनॉल बोला है, प्रोपेनॉल का मतलब क्या होता है कि वन पे ओएच लगाओगे, तो टर्मिनल पोजीशन पे अगर आपको ओएच लगाना है तो यहाँ पर आप हेल्प लोगे एचबीओ रिएक्शन की। एचबीओ मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उस रिएक्शन में क्या होता है आप लोग सबसे पहले लेते हो बी टू एच सिक्स और टीएचएफ लेते हो टेट्राहाइड्रोफिरोन, हाइड्रोजन परोक्साइड है ना, हाइड्रोजन परोक्साइड एंड बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है। जैसे ये रिएक्शन तो किस मीडियम में होती है, एसिडिक में होती है ना, इस रिएक्शन में इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होती है और एंटी मार्कोनी ऑफ रूल फॉलो किया जाता है, मतलब पानी जुड़ता है बट पानी आपको दिखता नहीं है कि जुड़ रहा है। और आप क्या ऑब्जर्व करोगे, सी एच थ्री सी एच सी एच टू इधर आ जाएगा आपका ओ एच और सी एच टू, क्लियर है। अगला है फिनॉल टू बेंजोक्विनोन, फिनॉल से आप लोगों ने बेंजोक्विनोन बनाना है, फिनॉल किसे कहते हैं, बेंजीन को, और बेंजोक्विनोन किसे कहते हैं, देखिए जब आप फिनॉल की ऑक्सीडेशन करते हो ना, और ऑक्सीडेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7H2SO4 सोडियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड में, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर आपका देखने को मिल जाता है बेंजोक्विनोन। आगे है फिनॉल टू 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, फिनॉल ये फिनॉल के एक टेस्ट के रूप में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है ना, फिनॉल है, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करवा दी किसके साथ, विद 3Br2 इन एक्वस मीडियम, ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोल देते हैं। तो इसकी सारी साइट्स एक्टिव हो जाती हैं, है ना, जहाँ पर भी अटैक पॉसिबल है ना हर जगह पर अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये फिनॉल है, इसमें कहाँ कहाँ पर अटैक पॉसिबल है, 2 पे Br लग जाएगा, 4 पे Br लग जाएगा, 6 पे Br लग जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2,4,6, तीन जगह पर Br है तो ट्राई ब्रोमो, और बेंजीन के ऊपर OH है तो ऐसे बोल देंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल इसे हम लोग बोल देंगे। और ये वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनाते हैं। अच्छा यहाँ पर ना जैसे कि बेंजीन OH है, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कर दी किसके साथ, विद HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ठीक है ना, 3H। अब अगर आप इसकी नाइट्रेशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा।
अब जितनी भी अवेलेबल साइट है यहाँ पर अटैक होगा, ये क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर इधर OH NO2, इसे क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज 2,4,6, तीन जगह पर NO2 है, ट्राई नाइट्रो, और बेंजीन के ऊपर OH को क्या बोल देंगे बेटा हम लोग, फिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल इसका नाम हो जाएगा। और ये फेमस क्यों है, क्योंकि इसका एक कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड, इसे पिक्रिक एसिड बोलते हैं, और ये यूज़ किया जाता है एक एक्सप्लोजिव के रूप में, एक विस्फोटक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई, राइट द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमिन, क्यूमिन लो, क्यूमिन किसे कहते हैं, ये रहा आपका क्यूमिन, बेंजीन के ऊपर CH3 लगाओ, इसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं। सबसे पहले आप इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो आप नोटिस करोगे कि ऑक्सीजन इधर बीच में जाके चिपकते हैं, ये चिपके होंगे, इसे बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन, और इसका नाम होता है क्यूमिन हाइपर ऑक्साइड। फिर यहाँ से जब आप इसकी हाइड्रेशन करोगे एच पॉजिटिव एच टू के साथ, तो आप नोटिस करोगे कि ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, बेंजीन CH3, बेंजीन से CH3 COCH3 बाहर और बेंजीन के ऊपर OH। मैं एक बार अलग समझाता हूँ, देखिए होता क्या है कि जैसे कि आपने क्यूमिन लिया, मैंने इसको याद रखा हुआ है ओ कमीने फिनोल करके, वैसे ना मैंने सारी नेम रिएक्शन की ट्रिक भी करा रखी है, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। तो ये है CH, इधर है CH3, इधर है CH3, आप इसकी O2 के साथ ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये बन गया एरियल ऑक्सीडेशन, होगी ऑक्सीजन इधर जाके चिपकेगा इसमें, ठीक है ना, ये हो जाएगा COOH इधर CH3, ये चीज़ यहाँ से बाहर, ये है एच पॉजिटिव, ये है H2, तो ये बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, बेंजीन के ऊपर लग गया है OH, और इस बेंजीन के ऊपर, और यहाँ से ना CH3 COCH3 बाहर निकल गया है, इट इज़ नोन एज प्रोपेनॉन, और बेंजीन के ऊपर ये CH3 COCH3, बेंजीन के ऊपर OH इज फिनॉल, और इसे क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज एसीटोन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिनॉल टू क्लोरोबेंजीन, सिंपल है, फिनॉल के अगर कन्वर्जन आ जाए ना तो आप कोशिश करना कि उसको ना जिंक के साथ ट्रीट करो, जिंक डस्ट के साथ, जैसे कि हमारे पास फिनॉल है, ये है फिनॉल, आप लोग इसको ट्रीट करोगे जिंक के साथ तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ZnO, और ये नॉर्मल बेंजीन बचेगा, और फिर इस बेंजीन की क्लोरीनेशन कर दो Cl2 एनहाइड्रस FeCl3। अभी आपको तबा सकता है अगर आपने पिछला चैप्टर अच्छे से पढ़ा, दैट से बोला जाता है कि ऑर्गेनिक के सभी चैप्टर इंटरलिंक्ड हैं। बेंजीन के ऊपर क्या, यहाँ पर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा Cl, इट इज़ नोन एज क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। उसके बाद है हाउ डू यू कन्वर्ट सोडियम फिनोक्साइड टू ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2020 में आया हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा कोल्ब रिएक्शन, भाई 2013 में, 14 में, 19 में, 20 में, बहुत आगे भी देखोगे बहुत जगह रिएक्शन आप लोग, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मान जाओ मेरी बात। सोडियम फिनोक्साइड किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है, ONA, ठीक है ना, फिर आप लोग इसको ट्रीट कर दोगे विद CO2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OH, और ये CO2 इधर जाएगा COONA, फिर इस NA को हटाने के लिए आप इसको ट्रीट करोगे विद HCl, तो ये बन जाएगा बेंजीन OH COOH, इसे क्या बोलेंगे, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर सैलिसिलिक एसिड बोल देंगे, सैलिसिलिक एसिड। हाँ, इस रिएक्शन, देखो इस रिएक्शन को आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर कोल्ब रिएक्शन है ना, कोल्ब रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे कि बेंजीन के ऊपर OH है, पहला आप लोग NaOH के साथ करते हो ना तब आपका ये बनता है, HCl के साथ करते हो ना फिर ये आपका हटता है, तो मैंने इसको ख़त्म कर दिया, NaOH इधर HCl, और यहाँ पर मैंने डाल दिया CO2, यहाँ पर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर OH और COOH, ये भी एक तरीका बन सकता है, ठीक है ना, इवन मुझे तो यही ज़्यादा अच्छा लगता है, अगर कोल्ब रिएक्शन है तो ये लिखोगे, बाकी वरना ये वाला तरीका, इस वाले वे में आप लोग चलने वाले हो, इस वाले वे में।
आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल से आप लोगों ने क्या बनाना है? प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है। इथेनॉल किसे कहते हैं? CH3 CH2 OH। ठीक है, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद SOCl2, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 CH2 Cl। और फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो विद KCN, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cn, विच इज नोन एज प्रोपेन नाइट्राइल। अगला क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल। हाँ, इस चैप्टर में ना ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, ये एसिडिक बेसिक, फिनोल जो होता है एसिडिक नेचर का होता है। अब फिनोल में क्या होता है कि जैसे कि आपके पास बेंजीन OH है, इथेनॉल में भी C2H5OH है। अब ये एच पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो इथोक्साइड बनेगा, इसमें जो फिनोक्साइड बनेगा, उनमें से स्टेबल कौन है? ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। बेंजीन में शक्तियाँ होती हैं स्टेबल करने की, दैट्स वाई। बुकिश लैंग्वेज पे चलते हैं, फिनोल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस दैट एल्कोहल ऑन लूजिंग एच पॉजिटिव आयन फॉर्म एल्कोक्साइड आयन एंड फिनोल फॉर्म फिनोक्साइड आयन। द ग्रेटर एसिडिटी ऑफ फिनोल इज ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द फिनोक्साइड आयन विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। कि जो आपका फिनोल है एच पॉजिटिव देने के बाद जो फिनोक्साइड आयन बना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं अल्कोहल की बात करूँ, यहाँ पर जो एल्कोक्साइड आयन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है ब्रो, नहीं है ब्रो, समझो मेरी बात, वो स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ घुमाएगा? बेंजीन वाले के पास तो इलेक्ट्रॉन घुमाने के लिए है, पूरी बेंजीन में घुमा देता है तो स्टेबल हो जाता है, उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, दैट्स वाई स्टेबल है नहीं बिरादर। अगला है, नेक्स्ट आपके पास एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, इंपॉर्टेंट है और इससे एक बड़ी फेमस दवाई बन जाती है। पहली बात है सैलिसिलिक एसिड किसे कहते हैं? जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, OH CWH, आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इनका क्या चक्कर है, बट ये एसिटिक एनहाइड्राइड जो होता है ना, ये बहुत प्यार करता है इस एच से, फिनोल वाले एच से, और इसके साथ ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में आ गया होगा, ऊपर लिखी भी हुई है ना, ये रिएक्शन लिखी भी हुई है कहीं, ये बोल दो अरे सर मिटा के दिया। अच्छा, एक कन्वर्जन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। चलो इधर आओ, चलिए तो इधर से ये CH3 C डबल ओ एच बाहर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CWH है, इधर O है, और ये C डबल बॉन्ड O CH3। ये एक बड़ी फेमस मेडिसिन होती है, इसे एस्पिरिन बोलते हैं। ठीक है, डिस्पिरिन का नाम सुना होगा, उसी जैसे कुछ होता है हमारा एस्पिरिन भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर इज मोर वोलेटाइल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल। वोलेटाइल बोले तो किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, मोर वोलेटाइल वही होगा ना जो इजीली इवेपरेट हो जाए। तो देखिए, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होता है वो ज़्यादा वोलेटाइल होता है देन पैरानाइट्रोफिनोल। क्यों होता है ऐसा, मैं बना के दिखाता हूँ। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल आपका कुछ इस तरह से होता है बेटा, ये है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एन, और यहाँ पर आप दिखा दो इसका ओ डबल बॉन्ड ओ, और पैरानाइट्रोफिनोल कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से। 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता रहा हूँ। ये जो भाई साहब है, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है कि ये खुद को स्टेबल करते हैं, और ये कैसे बनाते हैं, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, है ना। इंटरमोलिकुलर में ना मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो इतना वोलेटाइल नहीं होता है। ठीक है, अब ये भाई साहब खुद को स्टेबल कर रहे होते हैं, एक मॉलिक्यूल खुद को स्टेबल, दूसरा मॉलिक्यूल खुद को, भैया सबको स्टेबल करना होता है, सिर्फ आपस को स्टेबल नहीं। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, इसने खुद को स्टेबल कर लिया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, बट इसके पास जो मॉलिक्यूल होगा फिर इजीली ब्रेक हो जाएगा, वो तो सारे ब्रेक हो जाएंगे। जबकि पैरानाइट्रोफिनोल की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि आप इधर नोटिस कर भी पा रहे हो, ये हमारे पास पैरानाइट्रोफिनोल है, ये मॉलिक्यूल्स को स्टेबल करता है, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है,
तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अगर आपसे पूछ लेता है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, पैरा नाइट्रोफिनोल का, वोलेटाइल कौन ज्यादा है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। वोलेटाइल मीन्स होता है जो इजिली इवेपोरेट हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन राइमन टाइमन 2013 में 2014 में आया हुआ, बता दिया था। हाउ इज टोलवेन ऑब्टेंड फ्रॉम फिनोल, बहुत सारे कन्वर्जन चलेंगे यार इसे ना, फिनोल है, फिनोल से आप लोगों ने टोलवेन बनाना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके कन्वर्जन करने के लिए बहुत ईजी है कि आप लोग इसको पहले जिंक के साथ ट्रीट कर दो। आपने इसको ट्रीट किया विद जिंक डस्ट तो वो इसको नॉर्मल बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करा दोगे विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इट इज़ नोन एज फ्रिडल क्राफ्ट एल्केलेशन। तो यहाँ पर CH3 अटैक करेगा और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, यहाँ से बेंजीन के ऊपर लग जाएगा CH3, और बेंजीन के ऊपर जब CH3 लग जाता है तो इसे हम लोग टोलवेन बोलते हैं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, आउट ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड ब्यूटेनॉल विच वन विल अंडरगो एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन फास्टर एंड व्हाई। अब देखो आपको ये मैकेनिज्म देखने पड़ेंगे, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। एक्चुअली में इसमें होता क्या है, इसमें कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है ना, किसमें, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन में कार्बोकैटायन बनता है। तो हमें देखना होगा कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। अब आप खुद से बताओ, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है एन ब्यूटेनॉल का, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल कुछ इस तरह से, OH ब्यूटाइल मतलब इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर CH3 है। अगर आप इसका तोड़ दोगे तो यहाँ पर कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये स्टेबल कार्बोकैटायन है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। और अगर मैं इधर बात करूँ, CH3 CH2 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 OH, तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इतना स्टेबल नहीं होगा, ये इतना स्टेबल नहीं होगा, ठीक है ना। एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल फॉलोज कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, है ना, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है, और जहाँ पर कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो देखेंगे। अगले पे आ जाओ, गिव मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम इथिन। इथिन मैं बोल रहा हूँ कि मैकेनिज्म आएंगे इस चैप्टर में, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट बनते हैं, तीनों मैकेनिज्म आराम से देख लेना। वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर एक दे दिया था कि मैकेनिज्म आपको देखने पड़ेंगे। तो इथेनॉल बनाना है फ्रॉम इथिन, यह आता है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। आगे बढ़ो, राइट द मेजर प्रोडक्ट क्या है, बेंजीन CH2OH HCl गर्म किया है, फिर ये है, और इसमें क्या करने वाले हैं भाई हम लोग, मैं इसको ना अगले पेज पे लिख दे रहा हूँ। देखिए अगर मैं इस रिएक्शन को लिखूं तो यहाँ पर क्या होगा, ये Cl चला जाएगा इस OH की जगह पर, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, बेंजीन CH2 Cl, Cl उधर और यहाँ पर OH, और अगर ये है CH3 C CH3 CH3 OH, यहाँ पर कॉपर लोगे और उसको गर्म कर दोगे। कॉपर एक डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट होता है, बट यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन पॉसिबल नहीं है, टर्शियरी अल्कोहल में नहीं पॉसिबल है, प्राइमरी सेकेंडरी में पॉसिबल होती है। तो इसमें क्या होगा, इधर डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2, इट इज़ एन अल्किन, क्लियर है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट है भाई, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट फॉलोइंग दी फॉलोइंग रिएक्शन, NaBH4 है। NaBH4 ना एस्टर, NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो एस्टर की रिडक्शन नहीं कर सकता, इसकी कर सकता है। तो आपका कुछ यहाँ पर ये बन जाएगा, ये तो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अगले में इस पर आ जाओ भाई, इसमें क्या करना है आप लोगों ने, इसमें बेंजीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इसकी रिएक्शन H2 के साथ कराई गई है इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो क्या होने वाला है, अगर आप इसको नोटिस करते हो तो यहाँ पर क्या होगा, बाकी यहाँ पर CH2 नहीं आएगा, CH आने वाला है। तो H2 ऐड करोगे, H पॉजिटिव
OH नेगेटिव, यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करोगे और H2 को ऐड करने वाला, नथुलाल है भाई, नेगेटिव विल गोज टू लोअर, इधर जाएगा ये और ये जाएगा इधर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा रिडक्शन करनी है तो ये O बेटा जी OH में कन्वर्ट होगा, सॉरी, ठीक है ना। मैं इसको भी अगले पेज पे लिख रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैंने क्या बोला है अभी। NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका कोई फर्क नहीं पड़ता एस्टर पे, ये कीटोन है, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, ठीक है। और इधर आप लोग क्या कर देने वाले हो, अगर मैं इस केस में बात करता हूँ तो इस केस में क्या होगा कि नेगेटिव विल गोज टू लोअर, तो यहाँ पर क्या है, बेंजीन है, ये CH के पास नेगेटिव आएगा यानी कि OH आएगा, और CH2 के पास H जाएगा यानी कि बन जाएगा CH3। उसके बाद है मैकेनिज्म, अब देखो 2015 में 2018 में आया हुआ है ये, और आपको देखिएगा कि मैकेनिज्म भी हर साल आता है, चैप्टर इसी चैप्टर से बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं मैकेनिज्म आने के, ठीक है ना। और ये क्या है, ये किसका मैकेनिज्म है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल का, एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू अल्कीन, दो मैकेनिज्म बनते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू ईथर, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन, आपने दोनों करने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई थिंक ये हम कर चुके हैं, बेंजीन OH CHC को हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करके देख लिया है, एस्पिरिन हमारा बनने वाला है, ये रहा, ठीक है ना। अगला है CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH PCC। PCC एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। तो क्या कर सकता है, मैं इधर लिखवा देता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH, और जब आप इसमें PCC डालोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल इज कन्वर्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड फिनॉल, और अगला है प्रोपेनॉल एंड 2-methylpropentol, इथेनॉल एंड फिनॉल, और अगला है प्रोपेनॉल एंड 2-methylpropentol। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि कई सारे टेस्ट हैं, अगर आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चीट नोट्स है तो आपको दिखाई देगा मैंने बहुत सारे टेस्ट लिखा रखे हैं। तो प्रोपेनॉल किसे कहते हैं, CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है, और यहाँ पर प्रोपेन 2-methylpropentol है, CH3 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 OH है। मैं यहाँ पर कौन सा टेस्ट अप्लाई कर सकता हूँ आपकी आपकी परमिशन पर, मैं लुकास टेस्ट अप्लाई कर सकता हूँ बिकॉज इट इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल एंड इट इज़ टर्सरी अल्कोहल। तो मैं इसकी रिएक्शन करवा दूँगा किसके साथ, विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, इसकी रिएक्शन करा दूँगा मैं HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो ये तो रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है ना, सिर्फ गर्म करने पर, टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, CH2 इस OH की जगह पर Cl आ जाएगा, और लिखोगे यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, एक ना बड़ा प्लस में पानी बनता है इसमें, ठीक है ना, जैसे कि ये Cl इस OH की जगह पर जाएगा तो ये OH इधर आएगा, तो यहाँ पर हम बोलते हैं टर्बिडिटी अपीयर होगी, बट वो ऑन हीटिंग गर्म करने पर अपीयर होगी। और यहाँ पर अगर मैं इसको गर्म करूँगा तो ये Cl जाएगा इस OH की जगह पर, ठीक है, ये CH3 इधर Cl प्लस में पानी बनेगा, और यहाँ पर जो टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, यहाँ पर इमीडिएटली हो जाएगी, ठीक है, CH3 CH2 OH, और इधर है फिनॉल। तो यहाँ पर आप आइडोफॉर्म टेस्ट लगा सकते हो जो कि अल्कोहल पे इथेनॉल पे पॉजिटिव
टेस्ट देगा, या फिर कई सारे हैं, आप लिटमस टेस्ट लगा सकते हो, लिटमस टेस्ट फिनोल के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा, या फिर आप लोग FeCl3 टेस्ट लगा सकते हो, FeCl3। ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, इसके तीन मॉलिक्यूल लेने हैं आपको, तो ये Fe तीन तरफ से O बेंजीन से गिर जाएगा, ठीक है ना, और बेंजीन OH था उसका HNCl के साथ प्लस में क्या बन जाएंगे, 3HCl। और जब आप इधर FeCl3 लगाओगे तो इधर कुछ भी नहीं होगा, इधर आएगी नो रिएक्शन, ठीक है ना। और यहाँ पर बन क्या जाता है, वो जो कंपाउंड आपने आयरन के तीन तरफ O बेंजीन बनाए हैं वो वॉयलेट कलर का कंपाउंड होता है। किस कलर का कंपाउंड होता है भाई, वॉयलेट कलर का, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। आगे है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिड स्ट्रेंथ। एक जगह पर आपके पास क्या है, पैराक्रिसोल, पैराक्रिसोल किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, OH और CH3, ये पैराक्रिसोल है। एक है नाइट्रोफिनोल, नाइट्रोफिनोल किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा, NO2, और फिनोल किसे कहते हैं, ये है। तो ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे पहले जो सबसे कम है और सबसे बाद में जो सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे बाद में आएगा कुछ इस तरह से, है ना, ये बीच में आ जाएगा ऐसे। कुछ इस तरह से, क्यों सर, ये जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं किसको, एसिड स्ट्रेंथ को। NO2 जो है वो EWG है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एसिड स्ट्रेंथ को, ठीक है ना, इस तरह से। और फिनोल तो होता ही एसिडिक है, ये डिक्रीज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई पीछे आया है, ये आगे आ गया। अगला है, अगेन मैकेनिज्म, आई नो तुम मुझे सीरियसली नहीं लेते हो, बट देख लो मैकेनिज्म आया हुआ है। और ये कौन सा मैकेनिज्म है, हाइड्रेशन वाला मैकेनिज्म है ये, तो अच्छे से कर देना। अगला है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ब्यूटेन 2 ऑल रिएक्ट विद CrO3 एंड SOCl2। ब्यूटेन 2 ऑल है, क्या होता है ब्यूटेन 2 ऑल, CH3 CH OH CH2 CH3। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी विद CrO3, CrO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। दूसरा है ब्यूटेन 2 ऑल है, CH3 CH OH CH2 CH3, आप लोगों ने इसको किसके साथ ट्रीट करना है, विद SOCl2 SOCl2, तो आप लोगों ने हैलोजन हैलोजन में भी देखा होगा SOCl Cl, तो ये जो Cl है वो इधर जाएगा, इस OH को हटाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH, इधर लग जाएगा Cl, बाकी CH2 CH3, उधर से इधर क्या आएगा, OH, तो ये क्या बन गया, एक तो आपका HCl बन जाएगा और एक आपका क्या बन जाएगा, SO2, ठीक है ना, और तो क्या ही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 B2H6 है, 3H2O2 है, OH नेगेटिव है। आपको याद होगी रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन है हमारे पास जहाँ तक मुझे याद आ रही है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन में क्या कर दोगे आप लोग, एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रेशन कर दोगे, तो क्या ऑब्जर्व करोगे, ये CH3 ये CH2 टर्मिनल पोजिशन पर OH ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बेंजीन OH है ना, C6H5OH है, उसकी रिएक्शन कराई गई है विद एक्वस NaOH, उसके बाद CO2 एंड H पॉजिटिव है ना, ये कोल्ब्स रिएक्शन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर ये OH और ये CWH, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर सिंगल स्टेप में हो सकता है क्या, देखो तुम्हारे सामने है सिंगल स्टेप में, और ये देखो यहाँ पे हो भी रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कॉपर लिया गया है, कॉपर एक डिहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट है, तो यहाँ से एक तो वो OH से H को निकालता है, और एक कहाँ से निकाल देता है ब्रदर्स, वो निकाल देता है
OH से निकलेगा, और जिस कार्बन पे OH निकला ना वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, बाकी ऐसे बच जाएगा आपके पास CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ये, ठीक है। उसके बाद बेंजीन OH है विच इज़ फिनॉल, उसकी रिएक्शन कराई गई CaCl3 एक्वस NaOH पॉजिटिव। ये राइमर-टाइमर रिएक्शन का सेटअप है, और राइमर-टाइमर रिएक्शन में क्या बन जाता है आपका सैलिसिलाइड बन जाता है। ये C6H5OH है, CaCl3 एक्वस NaOH HCl है, और ये बन गया बेंजीन OH CH2, ठीक है ना। उसके बाद प्रोपीन से प्रोपेन टोल बना दिया था, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करोगे पहले, है ना। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बना देते हैं, बेंजाइल क्लोराइड किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, जब बेंजीन के ऊपर लगा हो CH2Cl, और उसकी रिएक्शन करा दोगे आप विद एक्वस NaOH, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, लग जाएगा बेंजीन CH2OH विच इज नोन एज बेंजाइल अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है राइट द मैकेनिज्म ऑफ CH3CH2OH HBr CH3CH2Br प्लस H2O। ये क्या है, यहाँ पर आप SN2 वाला मैकेनिज्म फॉलो करोगे, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। उसके बाद है नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल, फिनोल किसे कहते हैं, SN2 वाला मैकेनिज्म करवा रखा है तुम्हें, ठीक है। और मैं स्टिल बोल रहा हूँ बेटा, कहीं भी दिक्कत आ रही है ना कमेंट में बता देना कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है, मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। ये OH है और इससे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनाना है ना, मैंने बताया था ये एक टेस्ट भी होता है, ये एक्वस लेना है आपने, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्यूटेन 2-ON से ब्यूटेन 2-OL बनाना है, ब्यूटेन 2-ON, ब्यूटेन 2-ON किसे कहते हैं, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3, ये हो जाएगा CH3 CHOH CH2 CH3। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, दैट इज LiAlS4, इसके अलावा भी ले सकते थे, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा नहीं लिया जा सकता, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलेशन ऑफ एनिसोल, एनिसोल किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, बेंजीन के ऊपर लगा हो OCH3, उसकी फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलेशन करनी है, एल्केलेशन के लिए CH3Cl, और यहाँ पर होगा एनहाइड्रस AlCl3, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा ये, आपको रिएक्शन नहीं करके दिखानी है, मैं करके दिखा रहा हूँ, सो दैट कि अगर आ गया तो मैं समझा दूंगा, भाई पीछे लिखा था ना अभी, दैट्स व्हाई। ये OCH3 है एनिसोल, और यहाँ पर CH3 ऑर्थो पोजिशन पे एंड पैरा पोजिशन पे आप लोग लगा सकते हो। अगला है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, वो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट हो सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि CH3 CH2OH है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे आप लोग, तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3 COOH के अंदर, ठीक है ना। ये आगे बढ़े, नेक्स्ट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, हर पेज पे मैकेनिज्म देख रहे हो, CH3CH2OH है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन है, कर लेना। उसके बाद है ये PCC रिड्यूसिंग एजेंट है, नहीं है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करेगा तो वो उसको कन्वर्ट कर देगा कीटोन के अंदर, ठीक है। ये भी कर चुके हैं एस्पिरिन, अच्छा रिएक्शंस में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, ये हो जाएगा O के साथ लग जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ CH3 एस्पिरिन बनेगा COOH, ठीक है। और अगर इस पर मैं करूँगा, अच्छा ये रिएक्शन मैं अगले पेज पर करवा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड एजेंट वाली है, बहुत सिंपल, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हमारे पास कीटोन है, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने करा दी विद CH3 MgBr और H3O पॉजिटिव, सिंपल बता रहा हूँ, कार्बन तो कार्बन के पास जाएगा और हाइड्रेशन कर रहे हो ना, O के पास H आएगा, तो आप देखो कुछ ऐसे, यहाँ पर तो आ जाएगा कार्बन दैट इज CH3 और O के पास आ जाएगा इधर H। कमेंट सेक्शन में इसका नाम बता देना, बड़ी खुशी होगी मुझे, और जिसका आंसर सही होगा उसके कमेंट को दिल दे दिया जाएगा, दिल, ठीक है ना। अगला है शो हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नार्ड एजेंट ऑन मिथेनल, मिथेनल किसे कहते हैं,
बोलो मिथेनॉल किसे कहा जाता है? मिथेनॉल कहा जाता है सी डबल बॉन्ड ओ एच एच, ये मिथेनॉल है। ठीक है, अब बाकी जो भी चाहिए, अब देखो मिथेनॉल वाला एल्कोहल तो इतना है, बाकी आप अपनी तरफ से लेके आ जाओ, क्या सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री एम जी बी आर है ना, तो क्या होगा कार्बन गोज टू कार्बन, कार्बन अप्रोच करने वाला है कार्बन को और एम जी बी आर अप्रोच करेगा इस ऑक्सीजन को, तो आप क्या देखोगे ये सी इधर एच एच इधर सी एच सी एच थ्री और ओ एम जी बी आर, इसकी रिएक्शन आप एच टू के साथ कराओगे, जब आप एच टू के साथ कराओगे तो इधर क्या आएगा एच इधर आएगा ओ एच, ठीक है ना, तो ये सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच टू ओ एच। ग्रिग्नार्ड एजेंट वाली रिएक्शन बहुत सिंपल होती है, बस आप ये देख लेना कि किससे अल्कोहल बनेगा और बाकी जो पोर्शन आपको लेके आना है। आई नो तुम मुझे सीरियस लेते नहीं हो, बट देखो अगेन एक मैकेनिज्म आ रहा है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, मैकेनिज्म लिखो भाई लिखो, है ना। अगला है फिनोल टू एनिसोल बनाना है, फिनोल से क्या बनाना है आप लोगों ने, एनिसोल बनाना है। तो ओके फिनोल किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर ओ एच लगा इसकी रिएक्शन करा दो एन ओ एच के साथ, फिनोल बिंग एसिडिक इन नेचर यहाँ पर बन जाएगा सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है ना, फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो सी एस थ्री आई के साथ या सी एस थ्री सी एल के साथ करवा दो। यहाँ पर रोना हैलोल केन की याद में वाली बात आ गई है, मेटल लव्स नॉन मेटल, ये तो हमें पता है कि यहाँ से ये एन ए और यहाँ से ए सी एल बाहर निकलेगा और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, ये विलियमसन सिंथेसिस है, ये हो जाएगा ओ सी एस थ्री। उसके बाद है प्रोपेन टोल से आप लोगों ने क्या बनाना है, टू मिथाइल प्रोपेन टोल और एनिलीन से फिनोल, पहले मैं एनिलीन से फिनोल बना देता हूँ बाकी बाद में देखेंगे। एनिलीन किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो एन एच टू, ठीक है बेटा, आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, विद एन ए एन ओ टू एंड एस सी एल के साथ, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डायजोनियम क्लोराइड में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये एन टू सी एल, ठीक है। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो विद एच टू ओ, गर्म कर देना थोड़ा, तो ये पोर्शन हटेगा और इसका नेगेटिव एच टू ओ का नेगेटिव ओ एच इधर जुड़ जाएगा, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग गया ओ एच और बेंजीन के ऊपर ओ एच को क्या बोल देंगे इतने बेटा हम लोग फिनोल। इसके बाद इधर आ जाओ प्रोपेन टोल से टू मिथाइल प्रोपेन टोल, थोड़ा सा है प्रोपेन टोल से क्या बनाना है टू मिथाइल प्रोपेन टोल, अब इधर उधर लगाना है ना, तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प लोगे, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए इसको कैपेबल तो बनाओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए इसको कैपेबल होने में क्या लगेगा, इसको कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने ले लिया सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच थ्री, मैं इसकी रिएक्शन करा दूंगा पी सी सी के साथ जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। अब आपको टू मिथाइल बनाना है, यानी कि आपको एक कार्बन बढ़ाना है, ठीक है ना, कार्बन गोज टू कार्बन, हो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तू सो के रात गुजार ले मैं काम करके रात गुजार ले, हमारे यहाँ पर ऐसे गाने चलते थे किस जमाने में, कम टू द पॉइंट, सोती हैं तुम्हारी मैम देख लो दोपहर को, मैं काम करता हूँ क्या मतलब, इस क्लास के बाद पिटूंगा मैं चलिए कम टू द पॉइंट, सी एस थ्री मत कीजिए ऐसा प्लीज़, क्लास को बंद मत कीजिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसको वन शॉट में ही कम्प्लीट करना है प्लीज़, बहुत दिनों बाद क्लास ली है। ओ एम जी बी आर, मैं थोड़ा सा काला हो गया हूँ तो समझ जाना लाइट के सामने तुम्हारी मैम आ गई हैं, ठीक है ना, और फिर आप इसकी रिएक्शन करा दोगे विद एच टू ओ, तो जब आप इसकी रिएक्शन एच टू ओ के साथ कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एच पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा इधर एच और इधर ओ एच, तो ये सी एस थ्री सी ओ एच सी एस थ्री सी एस थ्री, है ना, तो ये टू मिथाइल प्रोपेन टोल बन गया है। अब ऐसे ऐसे के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वैसे तो कन्वर्जेंस बहुत ईजी होते हैं, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगते हैं थोड़ी सी प्लीज़ हाँ। उसके बाद है भाई हो कर लोगे भाई कर लोगे ना, ये सी एस थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इधर है बी टू एस सिक्स हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, फिनोल है बी आर टू ब्रोमिन वाटर
बार बार आ रही है, CH3CH2OH है, कॉपर है, कॉपर तो डिहाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है, तो लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ CH3CH2OH है ना, CH, इधर कॉपर लूँगा तो ये बाहर निकल जाएगा गर्म करने पे, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। आगे बढ़ो, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा, बनाया भी है, प्रोपीन से प्रोपेन टूल बन जाएगा, सिंपल है, प्रोपीन में पानी जोड़ोगे मार्कोनी को फ्रोल के अकॉर्डिंग प्रोपेन टूल बन जाएगा। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड किसे कहते हैं आप लोग, जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो, CH2Cl, इसकी रिएक्शन करा दोगे विद एक्वस NaOH, तो क्या ही ऑब्जर्व करोगे कि Cl हटेगा और इधर क्या लग जाएगा OH, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा CH2OH। नेक्स्ट है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन वन ओल बनाना है, वन ओल बनाना है यानी कि ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल तो आप मिथेनॉल से स्टार्ट करोगे है ना, यानी कि C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, कार्बन गोज टू कार्बन और ये इसको अप्रोच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा CH2, इधर आ जाएगा C2H5, O के साथ लग जाएगा MgCl, फिर आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद H2O, H2 में क्या हो जाएगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इधर H इधर OH, तो क्या बन जाएगा CH3CH2CH2OH बन गया आपका प्रोपेन वन ओल। आगे बढ़ते हैं, फिनोल टू एनिसोल बनाया था, फिनोल को पहले आप ट्रीट कर दोगे, फिनोल एक एसिड है तो एसिडिक नेचर का होता है, तो एसिडिक नेचर को आप लोग किसके साथ ट्रीट कर दोगे विद बेस NaOH के साथ, सोडियम फिनोक्साइड बनाओगे, फिर उसकी रिएक्शन CH3Cl या CH3I के साथ। इथेनॉल से प्रोपेन टूल बनाना है, यहाँ पर स्टेप अप करना है, स्टेप अप करने के लिए आप किसके यूज़ कर सकते हो, कई सारे तरीके हो सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रेफर कर सकते हो। तो इस चैप्टर में अभी तक जो मैं समझ पा रहा हूँ, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल डिराइमर बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोमिनेशन वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, अभी तक 60-62 क्वेश्चन करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। तो भाई साहब पहले ये CH3CH2OH है तो आप इसे एल्डिहाइड बना लोगे, फिर कार्बन बढ़ाना है, कार्बन कितने बढ़ाने हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले आओ एक दो तो बहुत आसानी से हो जाएगी रिएक्शन, मैकेनिज्म देख लो है ना, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करनी है, ठीक है ना। वाई फिनोल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर इजीली देन बेंजीन, पॉजिटिव रेजोनेंस की वजह से जो OH ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। फिनोल अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर इजीली देन बेंजीन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेशन इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, वो OH ग्रुप जो है उसका एक्टिवेशन इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हाँ मैंने ये भी बात बोली है कि ये जो रीजनिंग से वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये चार पांच लाइन आपके पास होनी चाहिए बोलने के लिए, ठीक है। फिनोल टू एनिसोल हो जाएगा, प्रोपेन टूल कर लिया है, ये हो चुका है हमारा। अगला क्वेश्चन है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो हो जाएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑफ प्रोपीन एंड देन ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपिनोल हो जाएगा, अरेंज द फॉलोइंग पैरानाइट्रोफिनोल इथेनॉल फिनोल, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, तो सबसे कम होगा इथेनॉल, ठीक है ना, और इथेनॉल से ज़्यादा फिनोल, और फिनोल से ज़्यादा पैरानाइट्रोफिनोल, ठीक है ना। अल्कोहल तो भैया पानी से भी कम एसिडिक होता है, वो तो एसिडिक के नाम पे ही कलंक है, पैरानाइट्रोफिनोल। उसके बाद प्रोपेनोल प्रोपेन प्रोपेनल, तो इनमें सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा प्रोपेनल का, प्रोपेनल से ज़्यादा सबसे कम जो होगा प्रोपेन का होगा, किसका होगा प्रोपेन का, हाइड्रोकार्बन का सबसे कम होता है प्रोपेन, प्रोपेन से प्रोपेनल और प्रोपेनल से ज़्यादा प्रोपेनोल, ठीक है ना। मैंने एक कहीं पर लिखवाया था आप लोगों को, कहीं पर लिखवाया है, अगर आप वन शॉट देख के आ रहे हो तो अच्छी बात है, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है हैलोकेन्स, हैलो अल्केन्स,
हैलोरोकेन से ज़्यादा होता है ईथर्स, ईथर से ज़्यादा होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से ज़्यादा होता है कीटोन, से ज़्यादा होता है अमाइन, से ज़्यादा होता है अल्कोहल, से ज़्यादा होता है किसको होता है भाई, अल्कोहल से ज़्यादा, अल्कोहल से ज़्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे ज़्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। आगे बढ़ते हैं, दैनिक मैकेनिज्म है ना, हर पेज पे एक मैकेनिज्म कर रहे हैं हम, हर एक पेज पे। और मैकेनिज्म एक ही तरह के हैं, ठीक है ना, तीन मैकेनिज्म चार मैकेनिज्म जुटता है उन्हीं में से पूछा गया सब कुछ आपका। तो यहाँ पर क्या है, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करना है और उसे ईथर बनाना है। अगला है कैरी आउट दी फॉलोइंग टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड टू टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। अच्छा जी, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड किसे कहते हैं, ओके, कार्बन सी एल सी एस थ्री। वैसे तो मैं एक बात बता दूँ कि ये रिएक्शन ना पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है ना। मैंने विलियमसन सिंथेसिस में एक बात बोली थी कि SN2 का मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है और अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, प्राइमरी होना चाहिए, बट फिर भी करके देख लेते हैं। तो ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल तो आ गया, इथाइल लेके आना ना, तो इधर C2H5ONa, तो ये क्या बन जाएगा NaCl, और इधर CH3 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 O C2H5। लिखा भी गया है द गिवन कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल बाय ट्रीटिंग सोडियम इथोक्साइड विद टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, ठीक है ना। सिंस अंडर दीज कंडीशन अल्किन, अल्किन बनेगा, विल बी द मेन प्रोडक्ट। हाउएवर टर्शियरी ब्यूटाइल इज हीटेड विद अ वीक न्यूक्लियोफाइल सच एज प्योर इथेनॉल, बोथ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन अक्कर। तो भैया अगर करना ही आ जाए, अच्छा ये नहीं लेना है आपने, यहाँ पर H ले लेना, ONa की जगह पर क्या ले लोगे, H ले लोगे, तो रिएक्शन हो जाएगी, वरना नहीं होनी थी। अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, ये बात बताई गई है। एनिसोल टू पैराब्रोमो एनिसोल, एनिसोल किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर क्या लगा हो OCH3, इसकी Br2 के साथ रिएक्शन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इथेनोइक एसिड CH3COOH, तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो गई OCH3, जो ब्रोमीन है ऑर्थो पे अटैक करेगा, एंड कहाँ पर अटैक करेगा, पैरा पे भी अटैक करेगा, ठीक है ना। बाकी द गिवन कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल बाय ट्रीटिंग सोडियम इथोक्साइड, यहाँ पर सोडियम इथोक्साइड नहीं लेना है, आप लोग क्या ले लो, इथेनॉल ले लो, तब थोड़ी बहुत कहानी घटित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे भाई हर बार ये आएगा फिनॉल, ये कई बार कर लिया है, बार बार क्यों आ रहा है ये। तो चलिए, कुछ इश्यू था, अब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू मिथोक्सी प्रोपेन बाय टू मिथाइल टू मिथोक्सी प्रोपेन बनाना फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस, टू मिथाइल टू मिथोक्सी प्रोपेन, प्रोपेन किसे कहते हैं, जब तीन कार्बन हो, एक दो तीन, टू मिथोक्सी यानी कि OCH3 और मिथाइल यानी इधर आएगा CH3, बाकी बॉन्ड पूरे कर लो। अच्छा, एक कब बन सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, तो एक तरफ आपको CH3 चाहिए ना, तो वो तो प्राइमरी ले लो, CH3Br ले लो, ठीक है। और बाकी जो बच गया, याद है ना विलियमसन सिंथेसिस होती है रोना हैलोरोकेन की याद में, इसको प्राइमरी रखो, इसको जो मर्जी रख लो, ठीक है। तो जो बच गया वो इसको रखो भाई, सी इधर CH3 इधर CH3 इधर CH3 इधर, ये आ जाएगा ONa, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल, अब ये आप सब ने कर ही रखी है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन ये चैप्टर में किए होंगे, तो कर देते हैं। एनिसोल किसे कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर लगा हो OCH3, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आप इसकी रिएक्शन कराओगे CH3Cl के साथ, और कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, CH3 ग्रुप जुड़ेगा ऑर्थो या पैरा पे, जोड़ दिया ऑर्थो पे पैरा पे। नेक्स्ट बात करते हैं, बेंजीन OC2H5 इसकी रिएक्शन HI के साथ करा दी, HI के साथ जब भी रिएक्शन कराओगे एक ईथर की, तो आप नोटिस करोगे कि बड़े वाला जो जो एच है वो ऑक्सीजन के साथ कुछ इस तरह चला जाएगा, बेंजीन OH और दूसरा C2H5
आई। आगे मूव करते हैं, जैसे इसकी रिएक्शन एच आई के साथ कराई गई है, ऑक्सीजन को बड़े ग्रुप के साथ दो, इधर एच इधर आई, ठीक है, ऑक्सीजन को बड़े ग्रुप के साथ दो, इधर एच इधर आई। एनिसोल से पैरा ब्रोमो एनिसोल बना चुके हैं, आपने एनिसोल लेना है, दैट इज बेंजीन ओ सी एस थ्री, और फिर आप लोग उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दोगे भाई, भाई भाई किसके साथ करा दोगे भाई, भूल गया मैं तो, बी आर टू इथेनोइक एसिड के साथ। आगे बढ़ते हैं, सॉरी बेटा बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, मेरे घर वाले ना बहुत शैतान है, जिस रूम में वीडियो बना रहूँगा ना वहीं पे आगे शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं, वहीं पे कूदते हैं, अरे भाई तू कैसे शांति से बैठा है। तो विलियमसन सिंथेसिस है, विलियमसन सिंथेसिस क्या रहेगा, रोना हैलोल केन की याद में, तो ये मेटल लव्स नॉन मेटल, तो ये जाएगा आर ओ आर, विलियम का सन था, रो रहा है, रोना हैलोल केन की याद में, बट वो फिर भी रो रहा है, नहीं मानेंगे। सी टू एच फाइव ओ एन ए प्लस सी टू एच फाइव सी एल, याद रखिए मेटल लव्स नॉन मेटल, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा सी टू एच फाइव ओ सी टू एच फाइव। अगला है टू सी एच थ्री सी एच टू ओ एच एच पॉजिटिव, यहाँ पर इथर है भाई, बहुत बार ये देख लो ना, 2013 15 16 17 20 नहीं मान लोगे, बताए हैं, तुम्हारे नाम आने से पेपर में आना थोड़ा ना रुक जाएगा वो। अगला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर इन कंपैरिजन ऑफ मिथॉक्सी मिथेन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि भाई में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वेयर एज इन मिथॉक्सी मिथेन मोलिकुलर हेल्ड बाय वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगला है सी एस थ्री, ये ओ सी एस थ्री ऑन रिएक्शन विद एच आई गिव्स, क्या देगा भाई एट द मेन प्रोडक्ट वाई, क्या कह रहे हैं ये है सी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री ओ सी एस थ्री। अब जब आप लोगों ने इसकी रिएक्शन एच आई के साथ करा दी तो हमारा, मैंने क्या बोला था, ऑक्सीजन बड़े ग्रुप के साथ जाएगा और एच आई, ये एक एक्सेप्शन है इधर, इसमें क्यों ऐसा नहीं हुआ भाई, व्हेन वन एल्काइल ग्रुप इज अ टर्शरी ग्रुप द हैलाइड फॉर्म्ड इज टर्शरी हैलाइड, द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप creates a more stable carbocation and the reaction follows SN1 mechanism। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये I इधर चला जाता है, ठीक है ना, और ये इधर चला जाएगा तो आपके पास क्या होगा, ज़्यादा stable living group बन जाने वाला है, करके भी दिखाया गया है, ये है भाई, इधर से क्या बन गया, एक स्टेबल कार्बोकोटाइन बना और उसके साथ आई नेगेटिव बैक साइड से आया, क्लियर है, आराम से देख लेना। और यहाँ पर हमारे अल्कोहल फिनोल ईथर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म होते हैं, आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा, और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना, स्टिल कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बता देना, बहुत ख्याल रखिए अपना, बहुत जो मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।